उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और सहारनपुर का दौरा करेंगे एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी तैयारी वहां पर जोर शोर से चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जहां पर गुज़िश्ता कल बिजनौर में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शोषित वंचित समाज सम्मेलन के सभा को संबोधित किया। वहां पर लोगों का जनसैलाब देखकर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गदगद हो गए और साथ ही साथ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये बदलाव का संकेत दिखा। इस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो है सियासी बेदारी लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का सारा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करना उनका जो है मिशन है। और साथ ही साथ इस बार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई कमी और कसर नहीं छोड़ रहा है। खास स्पीच आपको हम दिखाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के बिजनौर सभा के दौरान वहां के मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है और 28% जेल में अंडर ट्रायल है। बताइए, इसके बावजूद भी आप अगर करवट नहीं लेंगे तो कब करवट लोगे मुसलमानों? क्या जब शोर खयामत होगा तुम उठोगे? मैं आपको ये दांत हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई शायर नहीं हूं कि कोई शेर पढ़ा रहा वाहवा के नारे लगाएंगे। मैं आपको बता ये रहा हूं कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो मेरी ये ऐन ख्वाहिश है कि आप में एक तब्दीली पैदा हो जाए, आप में एक सोच पैदा हो जाए, आप में एक फिक्र पैदा हो जाए, क्योंकि आपने बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ किया। बताइए हमने क्या हासिल किया, क्या मिला आपको? आपको हमेशा डराते रहे। 34 साल पहले, 60 साल पहले यही कहा गया, फिरका परस्ती को शिकस्त दो। हमने फिरका परस्ती को शिकस्त दी। कभी कहा गया जनसंघ को हराओ, हमने जनसंघ को हराया। फिर कहा कि आपने कांग्रेस से नाराज हुए तो बीएसपी का साथ दिया, उनसे नाराज हुए तो समाजवादी का साथ दिया। आखिर आपने अपनी क़यादत क्यों नहीं बनाई? कोई कहेगा यहाँ पर कि नहीं, मीरठ से मुसलमान एमएलए बना, मीरठ से यहाँ पर इस इलाके से एमपी भी बना, मगर याद रखो वो तुम्हारा नहीं था। मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान बीएसपी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है, मुसलमान बीजेपी में भी है, मगर बताओ क्या वो मुसलमानों का नेता है? नहीं, वो समाजवादी का नेता है, बीएसपी का नेता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा, जिसको आप फखर से कह सकें कि हाँ ये मेरा नेता है। आपने जिताया इनको मगर वो चले गए बीएसपी में। आपने जिताया उनको, एमपी बने, इलेक्शन हार गए तो किसी और दूसरी पार्टी के चौखट पर चले गए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप अपने वोट से अपने नेता को बना सकते हैं। ये काम आपको करना और इंशाल्लाह हम करेंगे, आपका साथ आपका ताउन रहेगा तो यकीनन ये काम होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हर आदमी आता है हर पार्टी का। अभी मुझे बताया गया कि आज के जलसेआम में आने से पहले बात समाजवादी के और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को समाजवादी बीएसपी के नेताओं? बताओ क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी बीएसपी के नेता हो? वोट का जब मामला आएगा तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो। वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण को अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना जरूर है, मगर क्या हम हराएंगे बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा? बेटा है, बेटा है, आदाद और शुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में
75% मुसलमानों ने पीएसपी और समाजवादी को वोट दिया, उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाब हुए, बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। किसकी वजह से हुई? क्या आपने दिया बीजेपी को वोट? क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि दोबारा योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने?